जी बापूजी के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं दे आर कम्प्लीटली फेक, और ये कॉन्स्पिरेसी में फंसाया गया है जो नहीं चाहते कि जो बापू इतने अच्छे शिक्षा दे रहे हैं कि आप ये करो, आपको सनातन संस्कृति से जुड़ो, हिंदू धर्म को मत छोड़ो, तो उन्होंने बापू को जान के फंसाया है। और वो बोलते हैं कि एक लड़की ने फेक एलिगेशंस लगाए हैं, और मैं भी एक लड़की हूँ खुद, और मुझे यहाँ आश्रम में आते 17 साल हो गया, मैंने पूज्य बापू जी से 2005 में दीक्षा ली थी। तो आप खुद ही देख लें कि एक लड़की ने अगर ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं, तो मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे 17 साल से यहाँ हो गए हैं आते पूज्य बापूजी के पास, और ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अरे एक बाप अपनी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगा, हम भी रहते हैं उनकी छत्र छाया में, हमें तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल फेक है। और जल्दी ही बापू जी आएंगे, हमें न्याय पे पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्द बापू वापस आएंगे और निर्दोष होकर।